हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो है इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिएंगे आपके एडमिशन के टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आता है आपका 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट आती है। उसके बाद आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आता है और फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप एडमिशन ले रहे हैं किसी रिजर्व कैटेगरी में, जैसे आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, एससी एसटी का हो सकता है, ओबीसी का हो सकता है, माइनॉरिटी का या फिर ईडब्ल्यूएस का, तो वो भी आपको बनवा लेना है। हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बताया है उसको बनाने की तारीख उसने बढ़ाकर 31st कर दी है। तो आप जब तक उनको बना के रखें, और साथ ही में चाहिएगी आपको आपकी फोटो आइडेंटिटी, जो कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आपका वोटर आईडी हो सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए, क्योंकि ये आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और एट द टाइम ऑफ एडमिशन चाहिएंगे। जो कॉलेज आपको मिलेगा वो इन चीजों को वेरीफाई करेगा और उनको बिल्कुल ठीक ठाक परखेगा, उसके बाद ही आपको एडमिशन देगा। अगर इसमें कुछ चीजें उनको ऊपर नीचे लगी तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपने जितनी भी पूरे साल मेहनत करी है उसको सफल बनाने के लिए ये सारी चीजें आप एक तरफ रखें और अच्छी तरह चेक करके अपने पास रखें।